नर्मदा नदी बाबे ये की जय। बॉडी की बबूती लगे माथे पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गला खराब है फिलहाल क्योंकि महाकाल जी के है ना बहुत नारे मारे हैं उज्जैन में। दर्शन एक नंबर गए हैं सारे भाइयों के। नहीं है भाई, सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। ये अपने भाई जय श्री महाकाल। अपना गौतम भाई भी नागा आगा। लगभग टाइम हो रहा है सुबह के 4 बज रहे हैं, आज है 10 तारीख। तो मेरे भाई ने रात नहीं प्लान बना लिया कि ओंकार सरप्राइज दिया मैंने भाई, इनको इन पता ना था, पर मैंने इन तनु कही थी भाई तुम ना 3 बजे खड़े हो जियो, वैसे तरते एक चीज दिखा कर लाऊंगा। और तू भाई जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकालेश्वर पे हम जा रहे हैं। महाकालेश्वर के हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे सबके हो गए, बट योगेश के नहीं हुए थे। योगेश दर्शन करने के लिए गया, हम ओमकालेश्वर के निकल रहे हैं थोड़ी देर में। और आज की हमारी ट्रेन है 5:30 बजे की शाम की, तो लगभग हम 2-3 बजे तक आ जाएंगे। इसलिए भाई ये बोला कि इतनी दूर आ रहे हैं तो चलते हैं वहाँ पे भी। तो ओमकालेश्वर जाएंगे अब, वहाँ पे कैसी क्या ट्रिप होती है। वहाँ पे एक नर्मदा नदी और गोदावरी नदी भी है, संगम होता है जो महासंगम होता है, भाई ने बता दी महासंगम होता है। और जैसे जैसे घूम रहे हैं बहुत सी नई चीजों का पता भी लग रहा भाई बताऊंगा। अब मेरे से नहीं बताया जाएगा तो मेरा भाई बताएगा, भाई को प्रॉपरली पता है मेरे को। हेलो गाइस, तो मेरा गला बैठ रहा हुआ है वैसे भी, तो नहा धो लिया भाई हम, और सारे तैयार होते हैं, और गाड़ियां हमारी आने वाली है। तो भाई हम निकल लिए ओमकालेश्वर के द्वार, लगभग 130 किलोमीटर दूर है यहाँ से उज्जैन से, और हमें पहुँचने से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। हमने सुबह का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि सुबह भीड़ बहुत कम रहती है, ट्रैफिक नहीं होता, अरे जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पे है ना जो भी हमने सोची है कि 2-2.5 घंटे में दर्शन करके जल्दी से निकल लेंगे, क्योंकि इतनी दूर आए तो एक और शिवलिंग घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्लान भी ठीक बन गया था, रात ने चश्मा इसलिए पैर रखा भाई मेरे, और आँख में जलन, अरे फोन की लाइट लग रही है। तो भाई कुणाल तो कह रहा था कि भाई रहने दे ये वो, बोला चल ठीक है कोई दिक्कत ना भाई। तो सारे भाई पे चाल लग रही, गाड़ी आ रहा हमारी, हम रोड की तरफ जा रहे हैं। अरे महादेव भाई, हाँ देखो सुबह सुबह का नज़ारा। देखिए गौतम बोतल लेके तो आज लग रहा है जैसे जंगल होने जा रहा है, लग रहा बहुत जैसे जंगल होने जा रहा है। अरे हवा एक नंबर की चल रही है भाई, वो एक नई टी शर्ट लेऊंगा मैं, क्योंकि मैंने योगेश की पैर रखी थी, गौतम ने ली ना थी, तो गौतम का बाद में प्लान बन गई और धोती और टी शर्ट ना पहन रहा था। फिर इन बोला मैं भी पहनूंगा क्योंकि मैचिंग हो जाएगी, अच्छा सा लगेगा ऐसे, लेकिन ग्रुप के बंदे हैं। देखो कितना झूम रहा है ना, गर्मी हो रही है बाबे। जो भाई जब गर्मी हो रही है नुकारा ठंड लग रही है, सुबह 4 बजे के टाइम नहा लिए ना, इस वजह से मौसम हो रहा है ऐसा लग रहा है लवेसी भी ऐसा हो रहा है, लवेसी ना लवेसी रिसा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन दिल ऐसा लग रहा है गार्डन हो गया। दिखाई दे रहा है एक नंबर काले काले मुकड़े पे काला काला चश्मा। तो भाई अपनी गाड़ी आ चुकी है, हम जा रहे हैं ओमकालेश्वर।
तो भाई पारेश्वर में एंट्री हो चुकी है हमारी, गाड़ी से उतरे और जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। भाई गले में आना कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तेरा भी दर्द हो रहा है गले में ना। बोटिंग में जिस हिसाब से भाई हमने सुना है आपने, हर बंदा पैसे के लिए वो करेगा दर्शन करने, तो पैसे पंडित भी पैसे खा गए, गार्ड भी पैसे खा गए, पुलिस भी पैसे खा गए। अभी हमारे नगर निगम के 50 रुपए ले रहे, किस चीज़ के ले रहे पता ना, इंटर के फिर एक नशेड़ी मिल गया, नशेड़ी नहीं पैसे लिए, 10-20 रुपए दे दो, ठीक है भाई दे दिए। अभी देखते दर्शन करने में क्या होता है क्या नहीं। में भाई दो ही ज्योतिर्लिंग आए थे, उज्जैन महाकाल का और ओमकारेश्वर का। नेपाल में रहा है, ऐसे उच्चे कर देगी, ऐसा लगा कुछ भूकंप आ गया ना एकदम तक गिर जाएगा। देखिए कितना पहाड़ी का पत्थर है, मतलब कि इस तरीके का। एक नंबर की जगह भाई ये सारी, देखो कितनी बाबे आते गिर जाओ तो मर जाएंगे ना, बच जाएगा तू तो बच जाएगा, मास ज्यादा है तेरे में, गिर के देख कूद बाबे, देख जो पुल है ना सारा पुल है ना, रस्सी तो बंधा हो रहा है एक तरीके से, देख दिख रहा है ये। भाई सबसे एक अच्छी बात बताऊं, या ओमकारेश्वर में ना सब में ज्यादा पैसे खाते हैं सारे लोग ज्यादातर, मैंने सुनी भी है, जाकर पता भी लग रहा है, क्योंकि पंडित गार्ड दर्शन करवाने के पैसे ले रहे हैं। हद की बात है, परवाही बात है ना, किसी ने सही कही है, भगवान है ना सब चीज़ का फल दे देता है। होली वाले दिन है ना महाकालेश्वर मंदिर में क्या हुआ कि पूजा हो रही थी, तो होली वाले दिन क्या करा उन्होंने, सिलेंडर होते हैं ना जो रंग वाले, तो उन्होंने वो उड़ाया, लगने से है ना आग लग गई, पंडित जल गए, वो कर्म का नतीजा है जो कैसा भी है। फिलहाल तो है ना जगह बहुत बढ़िया भाई, अपने तरीके जाओ, अपने दिमाग से चलो, किसी के कहन पर मत चलो कि मैं ये करवा दूँ वो करवा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपने तरीके से आओ, बढ़िया एंजॉय करो, घूमो दर्शन करो, अच्छा मान लो। और पहाड़ से आया ये तो, पहाड़ा में तो पानी आ रहा है, तो बाथरूम बूथरूम का आ रहा है पानी। भीड़ ना भाई, हाँ भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। आधा जल चढ़ाना इस बस से, आधा आधा शीशी का आधा जल चढ़ाना, आधा उधर जल्दी हो गया, बढ़िया मजा आएगा ना। ओमकालेश्वर के तो दर्शन बहुत अच्छे हुए, जल्दी हो गए क्योंकि भीड़ ना थी इतनी, हम जल्दी पहुंच गए, आप 7:30 बजे से पहुंच गए थे, ज़्यादातर तो वो सिस्टम होया नहीं जो भाई बता रहा था। तो ये जा रहे भाई दूसरे मंदिर पे, वाका दिखाते हैं कैसे क्या है, ये कौन से घाट पे है। तो भाई एक मंदिर और रह गया ममलेश्वर, भाई बताओ भाई अभी है ना हम श्री ओम कालेश्वर मंदिर गए थे जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही है भाई यहाँ की हिस्ट्री है ना, यहाँ पे एक ममलेश्वर मंदिर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि वैष्णो देवी में जाया करें माता के दर्शन करने के बाद धारो के करने पड़े ना, तो वही सिस्टम है सेम, मम यहाँ पे ओम कालेश्वर के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर मंदिर जाना जरूरी है, जब भी यात्रा भाई सफल पूरी होती है अपनी। टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ यहाँ चल, इन गलियों में चलता हुआ मॉडल,
अब मॉडल के साथ चलता हुआ कुणाल, और कुणाल के साथ चलता हुआ गौतम काला काला। इतने प्राचीन मंदिर है, दर्शन है तो प्रवेश। जय नंदी महाराज की जय। पीछे से आएंगे भाई मॉडल प्रवेश। तो ममलेश्वर मंदिर में भाई एंट्री कर चुके हैं, अभी दर्शन करेंगे। और मन थोड़ा सा आनंद गार्डन गार्डन हो रहा है अपनी बात में कहता हूँ। क्यों हो रहा मॉडल भाई? क्योंकि मेरा हो रहा है तो मैं बताऊंगा ना बाबे। तो बताना तो क्यों बोल रहा? सॉरी भाई, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। जय की जय, जय। हर हर महादेव। कमलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी भाई हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हो गए। सारी जगह दर्शन अच्छी तरीके से हो गए। कितनी बोट खड़ी है भाभी आपका? कितने रुपए बोटिंग के? शेयरिंग में करना है, पर्सनल करना। कैसे भी बताओ? शेयरिंग में 150 रुपया टिकट है एक बंदे की। हाँ एक बंदे। और पर्सनल? पर्सनल 1200 रुपया लगेगा। अच्छा चलो रहने दो, अब लेट हो रहे हो वैसे भी। बस हवा निकल। तो भाई कुणाल इनमें तेरे से दुआ दूंगे? नहीं भाई, जो झपटे मार रहा वो झपटे मार रहा आदमी इसमें कुछ आगा भाई, ला दो झपटे मार रहा देख, और डूब डूब जा रहा उसमें देख देख, वो चोटी पाड़ रहा अपनी। भाई मॉडल की ओके हो रहा है ये मेरा भाई है कुणाल भाई, अभी भी रहस्य है पता तेरे को? हमने देखा ना बाबे वैसे। बहुत अच्छा नजारा भाई, भाई एक नंबर का नजारा, एक नंबर का। घूमने आओ मॉडल भाई, आओ तो घूम दोबारा, अपने पैसे जाओ आपके बाहर गारंटी के साथ, ठीक है भाई? नर्मदा नदी के पास भी होया है। बोटिंग का चार्ज कुछ ज़्यादा महंगा था तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारी है ना ट्रेन भी छूट सकती है। बात पैसे की ना है ना बाबे? बात किसकी है? बात टाइम की है। मन था इसका भी, इसका भी मन था। मॉडल तेरा मन था ना भाई बोट में? हाँ तेरा मन ना था? पैसे दे दे, ठीक है जब दिखाई बाबे धोती ठीक बांध रखी है। ये रही अपनी गाड़ी। वो भाई रास्ते में रुक गए थे क्योंकि
भाई बोला शनि देव के मंदिर पे होके चलते, बहुत बड़ा मंदिर है शनि देव का, शनि देव के मंदिर पे रुकेंगे थोड़ी देर। तो भाई यहाँ के दर्शन भी हो गए कंप्लीट। मेरी ध्यान लूंगी ना समझ रही थी, लूंगी खुल गए। अरे रुक जा यार, टेम्पो आ रहा है। तो भाई निकल गए अपने रूम की तरफ, निकल चुके हैं काम पे। नहीं नहीं वो जिनके आउट में ना ट्रेन पकड़ेंगे, मतलब किधर पड़ेगा।